हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। टेलीविज़न इंजीनियरिंग के VBI क्वेश्चंस के लिए आप लोग पागल हो रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए, ये न्यूमेरिकल करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, जबकि मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि आप लोग का सारा क्वेश्चन पहले से ही करा करके रखा हुआ है। कहते हैं कि जब भोज आता है ना, उस दिन कोढ़ा नहीं रोपा जाता है, और उस वजह से आप लोग थोड़ा सा पगलाए हुए हैं। लेकिन आप लोग को मैं बता दूँ कि आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग का लिंक आप लोग के ग्रुप में ही दिया हुआ है, बस आप लोग को ओपन करके देखने भर की देरी है, लेकिन आप लोग ओपन करके देख भी नहीं रहे हैं। सिर्फ इधर उधर चिल्ला रहे हैं कि सर ये ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। तो चलिए, आप सभी को मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपने ग्रुप से लिंक को ओपन करके A to Z क्वेश्चन का हल अपने मोबाइल में पा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं अभी आप लोग के ग्रुप में जा रहा हूँ, ठीक है, जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, जो ऐड हैं उनके लिए। देखिए, मैं यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन किया, और ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए 5th सेमेस्टर TPC बॉयज़ का ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन एग्ज़ाम स्पेशल का, ऑफलाइन का TPC गर्ल, मैं किसी एक कोई भी में भी जा रहा हूँ। मान लिया जाए, ये देखिए मैं TPC बॉयज़ में आया, सर ऑब्जेक्टिव का आंसर टिक किया रहता तो सेंटर पर रिवीजन करने में आराम होता। एकदम क्या कहें, मतलब इन लोग को खाना बना दो, खिला दो और मुंह में ठूस दो, तब भी इन लोग कहेगा कि नहीं सर, तनी सा और अंदर ठूस देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एकदम पागल हो गया है सब। अब देखो, हम तुम लोग को बता रहे हैं, ये देखो इतना सारा लोग क्या क्या कमेंट कर रहा है, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि ये सारा क्वेश्चन का आंसर ये दो ग्रुप, ये लिंक 5th सेमेस्टर टेलीविज़न इंजीनियरिंग अभिषेक सर प्लेलिस्ट है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, TV में जिन्हें भी जो प्रॉब्लम है वीडियो देखकर दूर कर ले जल्द से जल्द। उसके साथ साथ एक और है, 5th सेमेस्टर न्यू टेलीविज़न इंजीनियरिंग अभिषेक सर, देखो पढ़ो आगे बढ़ो, पर ये तो किसी को दिख नहीं रहा। तो चलिए, आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को आप दिखाई देगा। जैसे मैं ये देखिए इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये क्लिक किया, ये देखिए पूरा का पूरा लिंक ओपन हो गया। अब यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न इंजीनियरिंग फुल सिलेबस डिटेल, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में है इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न इंजीनियरिंग। यहाँ ओपन करोगे तो देखो जैसे ही ओपन करेंगे इसमें एक VBI है, क्वेश्चन है वो क्या है, तो टेलीविज़न इंजीनियरिंग का बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविज़न इंजीनियरिंग, ये फर्स्ट लेक्चर में है, कितना अच्छा है। सेकेंड लेक्चर ब्लॉक डायग्राम मोनोक्रोम टेलीविज़न का ब्लॉक डायग्राम है, ट्रांसमीटर का है, इसमें देखो मोनोक्रोम TV रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है, ये देखो। उसके बाद क्या है, डॉट ऑफ का ओवरव्यू, एलिमेंट ऑफ टेलीविज़न में किसी को डॉट था तो वो है। फिर उसके बाद इस एनालिसिस एंड सिंथेसिस में आपको एस्पेक्ट रेशियो से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे है। यहाँ देखो स्कैनिंग लाइन जो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग लाइन है, वर्टिकल स्कैनिंग लाइन है, वो है, इससे रिलेटेड जो भी है, ये देखो स्कैनिंग किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग किसे कहते हैं, ये सारा लेक्चर नंबर 3rd में है। फिर उसके बाद ये देखो लेक्चर नंबर 7 में पिक्सल से रिलेटेड जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम आपको बताया हुआ, समझाया हुआ। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में फ्लिकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में फ्लिकर है। फ्लिकर के बाद इंटरलेस स्कैनिंग भी है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल स्कैनिंग नंबर ऑफ लाइन ऑड क्यों होता है ये भी मैंने इसमें बता रखा है, ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। लेक्चर नंबर 9 में कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या है, हमेशा बार बार ये पूछा जाता है कंपोजिट वीडियो सिग्नल। उसके बाद टोनल ग्रेडिएशन, ब्लैंकिंग पल्स क्या होता है, CBS क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें बता रखा है। मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब में आप आओगे तो यहाँ पे कैमरा ट्यूब के करेक्टरिस्टिक्स हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, फोटो इमिशन फोटो कंडक्शन पूछ लिया जाता है, ये बताया हुआ है जो कि हमेशा पूछा जाता है। फिर देखो इमेज और थी कौन, कैमरा ट्यूब का स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब सारा कुछ फिगर ला के बनाया हुआ है, समझाया हुआ। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमरा ट्यूब है, जिसमें आपको गामा करेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बार बार ये पूछा जाता है, ये बताया हुआ है। उसके बाद कैमरा ट्यूब से कंपेरिजन आता है, VD कोण, प्लम्बी कोण और इमेज ऑर्थी कोण में कंपेरिजन, ये बताया हुआ है, एकदम VBI है। फिर इसके बाद टेलीविजन इंजीनियरिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं,
जैसे नंबर ऑफ फ्रेम, स्कैनिंग लाइन, लाइन फ्रीक्वेंसी, वीडियो बैंडविड्थ, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। फिर लेक्चर नंबर 14 में आएंगे तो यहाँ पे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में आपका यहाँ पे देखिए जो एंटीना यूज होता है यागी उडा एंटीना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। यागी उडा एंटीना से जो एंटीना का लेंथ कैसे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ये इसमें दिया हुआ है। ये भी आपको दिया हुआ है जो कि VVI है आप लोग के लिए। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पार्ट टू में एकदम यागी उडा एंटीना के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इन्हीं की मदद से किसी यागी उडा एंटीना का स्ट्रक्चर वगैरह सब, और फिर जो आपका टर्न स्टाइल एंटीना है ट्रांसमिटिंग के लिए यूज होता है, ये बताया हुआ है। फिर यूनिट कलर टेलीविजन में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर मुझे प्रॉब्लम है, तो कलर टेलीविजन भी आप लोग को फुल का फुल एकदम बताया हुआ है, भी एकदम इजी वे में आप लोग को बताया हुआ है। समझ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। देखिए ये कंपैक्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। कंपैक्टिबिलिटी जो मोनोक्रोम टेलीविजन और कलर टेलीविजन में दोनों में पूछा जाता है। कलर थ्योरी आप कहते हो, कलर थ्योरी हमेशा एकदम VVI है और ये बार बार पूछा गया है, ये भी बताया हुआ है। उसके बाद फिर आप देखिए कलर थ्योरी सब्ट्रैक्टिंग एडिटिव दोनों बताया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है तो क्रोमा सिग्नल का बात करते हैं। रिफ्लेक्ट करके हमारे उसको फॉलो इनको ऐड किया जाए तो हमारा क्या बनता है कलर कैमरा ट्यूब, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो देखिए लेक्चर नंबर 17 में ग्रासमैन्स ला, ग्रासमैन्स ला जो कि हमेशा पूछा जाता है। ये जो है ग्रासमैन्स ला वाई बराबर 0.59G+0.30R0.11B ब्लू, ये हमेशा पूछा जाता है, ये बताया हुआ है आप लोग को। फिर कलर कैमरा ट्यूब के बारे में बताया हुआ है। देखिए ये कलर थ्री मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब के हेल्प से कलर कैमरा ट्यूब का स्ट्रक्चर मैंने समझा रखा है आप लोग को। उसके बाद कलर टीवी ट्रांसमीटर रिसीवर हमेशा पूछा जाता है ब्लॉक डायग्राम, तो ये ट्रांसमीटर है, इसी में आपको कलर डायग्राम कलर टीवी का रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम आपको समझाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक NTSC पाल सेकंड में कंपेरिजन आता है लिखने को, हमेशा 6 नंबर में ये पूछा जाता है, ये भी बताया हुआ है। अब देख करके देखो तो सही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिमोट कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम आपको बताया हुआ है जो कि 6 नंबर में आप लोग को पूछा जाता है। फिर ट्यूनर, ट्यूनर जो RF ट्यूनर कहते हैं VHF UHF में जो यूज होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है 6 नंबर में, ये भी बताया हुआ है। बैलून क्यों कहाँ यूज होता है, फिल्टर कहाँ यूज होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। क्या कहते हैं आप लोग देखिएगा तब ना। ये देखिए बूस्टर एम्पलीफायर जो कि इम्पोर्टेंट है 6 नंबर में या फिर शॉर्ट नोट में आपको पूछ दिया जाता है, ये बताया गया हुआ है। फिर उसके बाद है ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग से हमेशा आता है कि ट्रबल शूटिंग इन टेलीविजन सिस्टम में क्या क्या होता है सर, कैसे इसको हम लोग करते हैं मोनोक्रोम के लिए। देखिए ट्रबल शूटिंग इन मोनोक्रोम टेलीविजन, फिर आगे बढ़िएगा तो ट्रबल शूटिंग इन कलर टेलीविजन, सारा कुछ बताया हुआ है। उसके बाद एक सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो कि आता है कलर टेलीविजन या मोनोक्रोम टेलीविजन में, सेफ्टी प्रिकॉशंस टीवी सर्विसिंग के दौरान, ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद CCTV है, CCTV क्या है तो CCTV और ये देखिए CCTV का ब्लॉक डायग्राम आपको समझाया हुआ है। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी बताया हुआ है। उसके बाद केबल टीवी का ब्लॉक डायग्राम आपको बताया हुआ है, केबल टीवी हमेशा पूछ लिया जाता है, तो ये केबल टीवी और CCTV दोनों का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे समझाया हुआ है। फिर उसके बाद आगे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखिए इन्फॉर्मेशन टीवी के लिए न्यूमरिकल क्वेश्चन, इस वाले लेक्चर में आपको टीवी के VVI जो न्यूमरिकल हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये आपको समझाया हुआ है, बस आप लोग ओपन करके देखिए तो सही। उसके बाद नेक्स्ट है ये VVI न्यूमरिकल पार्ट टू है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमरिकल आपको यहाँ पे बताया हुआ है जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है ये CCI ये एग्जाम वैक्सीन में आप आओगे तो एग्जाम वैक्सीन प्रोग्राम में भी VVI क्वेश्चन का सोल्यूशन जैसे SMP, SCCIR, B क्या है, ये सारा कुछ आपको बताया गया है। फोटो यहाँ पे देखिए मोनिटर और TV रिसीवर में क्या अंतर है, ये बताया हुआ है। FM क्यों ज़्यादा एडवांटेज किया जाता है, डिस्कस द प्रीफ्रेंस ऑफ FM ओवर AM, ये बताया हुआ है। अब देखिए टेलीविजन एपिसोड 1 से यहाँ पे देखिएगा तो पूरा एग्जाम वैक्सीन एपिसोड में मैंने शुरू से आपको यूनिट वाइज सारा VVI करा रखा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कराया हुआ है जो कि आपका एग्जाम के पहले एग्जाम में VVI ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद इधर सारे के सारे आपके VVI जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हमें सर ये करा दो वो करा दो, सिर्फ एक बार क्लिक
ओपन करके देखने का बस देर है, आपको सारा कुछ कराया हुआ है। हमें जहाँ तक जो छूटा हुआ है, जो लगेगा कि हाँ ये कराना है, तो वो मैं करा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। और अभी फुल्ली तैयारी करो, सिलेबस कंप्लीट करो इस सारे लिंक से, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप में मैसेज करो, मैं उसको सोल्व ज़रूर करा दूंगा, ठीक है। तो ओके, आप हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या सब कुछ मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।